हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और शानदार वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा उन्होंने गा दिया तो उस पर उनके लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो गई, काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि उनके पति देव भी उनको छोड़ रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है। तो क्या पूरी सच्चाई है या मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, नई नई जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाने और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं दू जैसे कि चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान नेहा सिंह राठौर जी ने एक गाना गाया था, काफी पॉपुलर हुआ था, काफी लोगों ने पसंद किया था, काफी लोगों ने ना पसंद किया था, काफी लोगों ने ट्रोल भी किया नेहा राठौर को, काफी लोगों ने गालियां भी दी, काफी लोगों ने अपशब्द भी कहा, कुछ भी कहा, काफी चीजें दिक्कत हुई। ठीक है, तो नेहा सिंह राठौर ने यह गाना गाया था यूपी में काबा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर को कुछ लोग बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना इनके लिए अच्छी बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से चली जाए, उनके हस्बैंड इनको डाइवोर्स दे दें, उनको ना रखें, क्योंकि इन्होंने यूपी का बुराई किया है, यूपी में काबा, यूपी का खाके और यूपी की ही बुराई की है, तो इन्हें बिहार में चले जाना चाहिए। ठीक है, काफी लोग ये भी बता रहे हैं कि इनके पति को, इनके घर वाले को इनको भेज देना चाहिए कि आप चली जाओ, यूपी में मत रहो, क्योंकि यूपी में कुछ नहीं है तो यूपी में क्या करने आई हो। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बताइए कि क्या उनको यूपी में रहना चाहिए, या कोई सरकार का निशाना बनाता है या कोई बात कह देता है सरकार के लिए सर, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसको कुछ ना कुछ लोग कहते हैं, तो क्या उनको रहने की अधिकार नहीं? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या यूपी छोड़ देना चाहिए या यूपी में रहना चाहिए। ठीक है, तो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, नई नई जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।